हेलो एवरीवन टुडे विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो पहले तो व्हाट इज़ एन एटम एटम इज द यूनिट ऑफ एवरीथिंग यू सी अराउंड यू ठीक है इट इज़ द यूनिट ऑफ ऑल मैटर प्रेजेंट अराउंड यू तो सारी की सारी चीज़ें एटम से बनी हुई है तो इस पर्टिकुलर एक एटम में इस पर्टिकुलर एक आइटम में अंदर क्या क्या होता है अंदर क्या क्या होता है वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे इस ऐटम में प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है ये तीन चीज़ों से बना हुआ होता है हमारा आइटम तो वी विल बी लर्निंग अबाउट द पर्टिकुलर्स ऑफ दीज थिंग्स जैसे इनका मास इनका चार्ज और इनकी स्पीड वगैरह वगैरह ठीक है तो हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जो एटम्स के जो एक एटम के तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है उनके बारे में और बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में सीखेंगे चलो आई जूम इन टू माई नोट्स एंड वी कैन गेट स्टार्टेड तो पहला सवाल स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगेन तुम्हें आना चाहिए वॉट इज़ द एटम मेड अप ऑफ तो तीन चीज़ें होती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और हमारा न्यूट्रॉन ओके okay. और इन तीन चीजों को हम बोलते हैं थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स अभी समझो दिस इज माय एटम समझो दिस इज माय न्यूक्लियस ओके okay, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम और उसके अंदर प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है जिसमें से प्रोटॉन्स का चार्ज है पॉजिटिव वन प्रोटॉन्स का चार्ज है पॉजिटिव वन और न्यूट्रॉन्स का चार्ज है जीरो ठीक है न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल यानी उनका चार्ज है जीरो जबकि प्रोटॉन्स का पॉजिटिव वन है एंड इन दिस स्पेस सराउंडिंग द न्यूक्लियस इन दिस स्पेस सराउंडिंग द न्यूक्लियस न्यूक्लियस को जितना भी स्पेस सराउंड कर रहा है वहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह पे अलग अलग जगहों पे इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अलग अलग जगहों पे इन द स्पेस सराउंडिंग द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स हैव माइनस नेगेटिव चार्ज माइनस वन नेगेटिव चार्ज ठीक है यानी नेगेटिव चार्ज होता है इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जिस तरह प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो एक दोनों को एक दोनों को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है ठीके? एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट्स वाई द एटम इज ओवरऑल न्यूट्रली चार्ज इट डज नॉट हैव एनी चार्ज ओके तो अभी दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन को देखते हैं पहले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट सराउंडिंग इन द सराउंडिंग स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस हाँ कि ना अभी अभी हमने देखा और उसका मास जो है ना वो बहुत ही कम होता है कम होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन उसका मास है 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन रेज टू माइनस थर्टी वन के जी नाइन पॉइंट वन इंटू टेन रेज टू माइनस थर्टी वन के जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो दोनों न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते ये दोनों न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं ना इन दोनों का मास इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल प्रोटॉन का मास है 1.672 पॉइंट सिक्स सेवन टू इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी एंड न्यूट्रॉन का मास है 1.674 पॉइंट सिक्स सेवन फोर इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी सेवन ठीक है तो इन दोनों का मास ऑलमोस्ट कंपेरेबल है ऑलमोस्ट इक्वल बोल सकते हैं हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जबकि इलेक्ट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन का मास कंपेयर्ड टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन काफी ही कम है ठीक है इलेक्ट्रॉन का मास काफी ही कम है व्हेन कंपेयर्ड टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ओके अभी वो कौन से कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फाउंडेशन दिया इस मॉडर्न पिक्चर ऑफ एटम जो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं ठीक है द मॉडर्न पिक्चर ऑफ एटम जो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं उसका फाउंडेशन किस किस साइंटिस्ट ने दिया तो पहले साइंटिस्ट का नाम था जे जे थॉम्पसन जे जे थॉम्पसन उसने बताया कि एटम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर इन विच पॉजिटिव चार्ज इन विच पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन द होल ऐटम पूरा का पूरा ऐटम इज पॉजिटिवली चार्ज ठीक है उसने बताया पूरा का पूरा ऐटम इज पॉजिटिवली चार्ज एंड डिस्क्रीट डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉन्स विद नेगेटिव चार्ज डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉन्स विथ नेगेटिव चार्ज आर फील्ड थ्रू आउट द एटम उसने बोला कि पूरा का पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज है आई एम सॉरी, उसने बोला पूरा का पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज है और उस पॉजिटिवली चार्ज एटम में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स डिस्क्रीटली प्रेजेंट है लाइक अ प्लम पुडिंग लाइक अ प्लम पुडिंग तो इसके इस स्ट्रक्चर को इसके इस एटम को हमने नाम दिया प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम ठीक है जे जे थॉम्सन ने हमें दिया प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम जिसमें उसने बताया कि पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एंटायर एम पूरे ऐटम में सब जगह पे पॉजिटिव चार्ज ही हैलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट डिस्क्रीटली इन दिस एटम ठीक है एंड उसने ऑल्सो भी उसने ये भी बताया कि द मास द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन दिस होल एटम मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन दिस होल एटम ओके उसने ये बताया जे जे थॉम्सन ने हमें दिया प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम अभी द सेकेंड साइंटिस्ट विच इज ऑन्स्ट रूथरफर्ड ऑनस्ट रूथरफर्ड ने हमें बताया द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस विच इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और उसके आसपास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन द स्पेस सराउंडिंग इट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर स्पेस्ड आर प्लेस्ड अराउंड द स्पेस सराउंडिंग द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड सारा का सारा मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस द ऑल द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन स्पेस अराउंड दिस न्यूक्लियस ये हमने बताया ऑनस्ट रूथर ने वाया हिज गोल्ड फॉइल गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे ओके सो आई रिपीट जे जे थॉम्सन ने जे जे थॉम्सन ने हमें प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम दिया जिसमें मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन द होल ऐटम एंड आई एम सॉरी पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन द होल एटम एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट डिस्क्रीटली इनसाइड दिस ऐटम ओके और ऑन्स्ट रूथर फोड ऑनस्ट रूथर ने वाया हिज गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट ही फाउंड आउट दैट न्यू अरे दैट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम विच इन विच ऑल द द होल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड जो बीच में प्रेजेंट है और उसके आगे पीछे इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन स्पेस उसके आगे पीछे देर इज एम्प्टी स्पेस एंड आफ्टर दैट देर इज इलेक्ट्रॉन देर आर इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन स्पेस ठीक है ये बताया अर्न्स रूथरफोर्ड ने अभी वी विल डिस्कस एटॉमिक मॉडल ऑफ मैटर एटॉमिक मॉडल ऑफ मैटर जो दिया था जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट ने ठीक है तो जॉन डाल्टन ने क्या बोला जॉन डाल्टन ने कुछ ऐसा बोला कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स यानी हमारे आसपास जो भी चीजें हैं सारा मैटर जो भी है हमारे आसपास सारी चीजें एटम से बनी हुई है और एक एलिमेंट होता है ना एक पर्टिकुलर एलिमेंट जैसे कार्बन उसका जो एक एटम है उसके जो एटम्स होते हैं ये सारे सेम होते हैं कार्बन के सारे एटम्स आर सेम बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ एनी अदर एलिमेंट ठीक है तो कार्बन के एटम्स आर ऑल सेम टू ईच अदर हाउ एवर दे आर डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ठीक है उसने बताया कि कंपाउंड बनते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जब फिक्स्ड प्रपोर्शन में कंबाइन होते हैं कंपाउंड कब बनते हैं कंपाउंड जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्सड प्रपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ओके okay. और इन मॉलिक्यूल्स के साथ कंपाउंड बनते हैं ठीक है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड एंड फिक्स प्रपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स विच देन फॉर्म अवर कंपाउंड उसने ये भी बताया कि अ केमिकल रिएक्शन इनवॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड नॉट चेंज इन द दमसेल्वस यानी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो देयर इज रीअरेंजमेंट ऑफ़ द एटम्स ठीक है तो अगर दो केमिकल दो कम्पाउंड्स एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं तो वो कम्पाउंड्स के अंदर जो एटम्स है वो एक दूसरे को वो रीअरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ मिक्स मैच होते हैं और उसके वजह से हमें मिलता है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड नॉट बिकॉज द एटम चेंजेस दम एटम वैसे का वैसा रहता है पर वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं एटम्स डिफरेंट एटम्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं वो चेंज होता है यानी रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स अकर्स ठीक है दिस इज वॉट वॉज गिवेन इन थियरी ओके अभी बात करते हैं रूथरफोर्ड ने जो हमें बताया था रूथरफोर्ड ने हमें क्या बताया था अगेन हमने लास्ट पेज में ही देखा रूथरफोर्ड ने बताया था कि न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है एट द सेंटर ऑफ द एटम जहां पे उसका मास कॉन्सेंट्रेटेड है और पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है तो रूथरफोर्ड ने हमें न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम मतलब द मॉडल इन विच न्यूक्लियस इज एट सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड इट इन स्पेस ठीक है और न्यूक्लियस में चार्ज और मास दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड है इनसाइड द न्यूक्लियस ठीक है तो ये हमने हमें रूथरफोर्ड ने बताया और कैसे किया हाउ डिड ही प्रूव दिस ही प्रूव दिस बाई प्रोजेक्टिंग अल्फा पार्टिकल्स विच हैड वेरी हाई एनर्जी विच हैड वेरी हाई एनर्जी ऑन टू अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल ऑन टू अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल ठीक है तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं पहले तो अल्फा पार्टिकल्स आर पार्टिकल्स हैविंग टू प्रोटोन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स दिस साउंड लाइक द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम न्यूक्लियस ऑफ हीलियम जैसा साउंड कर रहा है ना दो प्रोटोन और दो न्यूक्लियन दो न्यूट्रॉन हाँ की ना तो वॉट ही डिड वॉज ही टुक द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल विच हैड वेरी हाई एनर्जी और उन्हें फेंका ऑन टू वेरी थिन गोल्ड फॉइल ओके सो वेन ही डिड दिस क्या हुआ वेन ही डिड दिस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वो गोल्ड फॉइल के थ्रू पास हो गए अनडिफ्लेक्टेड मतलब समझो एम सॉरी दिस इज द बॉक्स दैट इज थ्रोइंग अल्फा पार्टिकल्स ठीक है ये बॉक्स में से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहा है एंड दिस इज माई येल्लो गोल्ड फॉइल ठीक है दिस इज माई येल्लो गोल्ड फॉइल सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट अहेड सीधे सीधे चले गए अनडिफ्लेक्ट हुए डिफ्लेक्ट नहीं हुए जरा अभी सीधे सीधे वैसे ही आगे चले गए ठीक है अभी थोड़े अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दीज अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स ठीक है थोड़े थोड़े डिफ्लेक्ट हुए एट स्मॉल एंगल्स ओके थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए एट स्मॉल एंगल्स जरा जरा सा डिफ्लेक्ट deflect हुआ डिफ्लेक्शन हुआ एट स्मॉल एंगल्स यानी दिस एंगल वॉज वेरी स्मॉल ओके एंड वेरी फ्यू पार्टिकल्स बहुत ही कम पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक बाउंस्ड बैक मतलब रिटर्न टू देयर सोर्स ठीक है इट कोलाइडेड विद दिस शीट इट कोलाइडेड विद द अल्फा पार्टिकल कोलाइडेड विद दिस शीट एंड दे बाउंस्ड बैक ऐसे बहुत ही कम थे तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब अब देखेंगे पहले मैं आई रिपीट क्या क्या हुआ ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे पास हो गए ठीक है डिफ्लेक्ट ना होते हुए पास हो गए थोड़े से अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट अ स्मॉल एंगल, वर डिफ्लेक्टेड एट अ स्मॉल एंगल और बहुत ही कम पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक यानी पूरे के पूरे डिफ्लेक्ट हुए बहुत ही कम पार्टिकल्स पूरे के पूरे डिफ्लेक्ट हुए अभी इसका मतलब क्या हुआ देखते हैं तो द कंक्लूजन वर द कंक्लूजनस क्या क्या थे कंक्लूजन वर कि एटम हैज न्यूक्लियस एट सेंटर एटम हैज़ न्यूक्लियस एट सेंटर मतलब जब ये अल्फा पार्टिकल आ रहा था टूवर्ड्स द गोल्ड शीट टूवर्ड्स द गोल्ड शीट तो गोल्ड का जो ये शीट के अंदर यहाँ पे इसको मैग्निफाई कर रहा हूँ मैं तो ये शीट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था गोल्ड का अरे जो आई एम सॉरी जो एटम था गोल्ड का उसका जो न्यूक्लियस था वो छोटा रहेगा और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रहेंगे हम्म, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रहेंगे और जब और जब वो अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस को ना हिट करते हुए न्यूक्लियस को ना हिट करते हुए उसके बाजू में से जा रहा है और तो फिर अगर वैसा हो रहा है तभी वो जा पाएगा अनडिफ्लेक्टेड है कि नहीं और ज्यादातर और ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स वर गोइंग अनडिफ्लेक्टेड है कि नहीं तो इसके हिसाब से रूथरफ ने सोचा कि न्यूक्लियस तो बहुत ही छोटा होगा न्यूक्लियस तो बहुत ही छोटा होगा उसके आसपास काफी जगह होनी चाहिए उसके आसपास काफी जगह होनी चाहिए विच इज एम्प्टी विच इज एम्पटी तो दैट इज हाउ ही गॉट द थॉट ऑफ देयर बींग अ न्यूक्लियस एंड

अगर उसको ग्रेज हो रहा था उसके बाजू में से जा रहा था तो इट वॉज गेटिंग डिफ्लेक्टेड एट अ स्मॉल एंगल कि ना तो अगर अल्फा पार्टिकल जो मेरा है अल्फा पार्टिकल इट हैज टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स एंड नो इलेक्ट्रॉन्स यानी उसका चार्ज है प्लस टू इट हैज अ प्लस टू चार्ज तो जब वो मेरे न्यूक्लियस के साथ कोलाइड हो रहा है विच हैज़ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के साइड कोलाइड हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस प्रोटॉन विल रिपेल इच अदर और इसके वजह से इट इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड्स और एट अ स्मॉल एंगल इसलिए इट इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस जब अल्फा पार्टिकल इज हिटिंग द न्यूक्लियस ठीक है बिकॉज पॉजिटिव चार्ज विल डिफ्लेक्ट द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द प्रोटॉन्स समझ में आ रहा है तो उसने बोला कि पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू प्रोटॉन एंड दिस प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ठीक है एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड न्यूक्लियस इन सर्क्यूलर पाथ दे मूव अराउंड न्यूक्लियस एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एट अ पर्टिकुलर डिटेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इन अ सर्क्युलर पाथ यानि जब मेरा अल्फा पार्टिकल जो मैंने पहले ही बताया ये अभी ग्रीन कलर में अल्फा पार्टिकल बता रहा हूँ तो अल्फ़ा पार्टिकल जब न्यूक्लियस को हिट नहीं करता जब न्यूक्लियस को हिट नहीं करता और उसके आस पास से निकल जाता है और उसके आस पास से निकल जाता है तो वो अनडिफ्लेक्टेड निकल जाता है अनडिफ्लेक्टेड निकल जाता है ठीक है यानि वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोई ज्यादा इंट्रैक्शन नहीं दिखाता बिकॉज अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटोन और दो न्यूट्रॉन है तो उसका वेट इज मच 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 हायर देन वन इलेक्ट्रॉन इट्स वेट इज मच 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 हायर देन वन इलेक्ट्रॉन दैट्स वाई इट हैज़ नो इंट्रैक्शन विथ दिस दीज इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोई इंट्रेक्शन नहीं दिखाता बस जब वो न्यूक्लियस को टकराता है तो डिफ्लेक्ट हो जाता है छोटे एंगल पे या फिर एग्जैक्टली वन एटी डिग्री से वापस वहां चला जाता है वापस अपने सोर्स के वहां चला जाता है ठीक है दैट वॉज वॉट वॉज सेड बाई रुथरफोड

आर रेडियस है हाँ कि ना ये उसका आर रेडियस है तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस आर एंड एन प्लस पी विच इज इक्वल टू ए यानी एटॉमिक मास नंबर तो द रिलेशन इज आर इज इक्वल टू कैपिटल आर नॉट इनटू ए रेस टू वन बाई थ्री इंटू ए रेस टू वन बाई थ्री वेर आर नॉट इज अ अंस्टेंट आर नॉट हमारा कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1.4 पॉइंट फोर इंटू टेन रेस टू माइनस फिफ्टीन एम वन पॉइंट फोर इंटू टेन रेस टू माइनस फिफ्टीन मीटर ठीक है तो जैसे ए बढ़ेगा जैसे हमारा मास नंबर बढ़ेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बढ़ेंगे डेफिनेटली हमारा रेडियस भी बढ़ेगा हाँ कि ना न्यूक्लियस की साइज बड़ी होती जाएगी तो फिर ये रेडियस भी बड़ा होता जाएगा ना अगर ज़्यादा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डालने रहेंगे तो साइज ऑफ द रेडियस विल आल्सो इंक्रीज ठीक है एंड उसका फॉर्मूला है स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर नॉट इन ए रेस टू वन बाई थ्री